दिमाग की बत्ती जलाओ। वाकई दिमाग की बत्ती जलाओ काशिफ साहब। मैं आज सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों को कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ ते हर चीज वायरल ना करो। खुदा दा वास्ता तहकीक करो, सच किए ते झूठ किए तुसी खोता कोड़ा एक बराबर कर देंदे हो। बिल्कुल सही कहा है और बहुत ही अच्छी बात की है। देखिए ये हम पे है कि हमने जो भी सोशल मीडिया पे चीज वायरल होती है वो स्टार बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या हर चीज को बगैर तहकीक किए बगैर सोचे समझे जो हम फॉरवर्ड करना अपना फर्ज समझते हैं ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और फैसला करें कि इसको फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हम दिमाग इस्तेमाल करें तो शायद बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। जी तुसी ये देखो ना, फॉरवर्ड करन चते इंज मास्टर ने साडे लोग। बिल्कुल, मैं सिर्फ इन्हें ही किया कि मेरा नहीं फॉरवर्ड कर देता। चलें जी काशिफ साहब, एक सवाल, चार आपको ऑप्शन देंगे, आपने अपने दिमाग की बत्ती को रोशन करना है और एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी? यस। पहला सवाल सर, चार हसीनाएं हैं जो मर रही हैं कि हमने काशिफ जमीर के साथ टिकटॉक बनानी है, आए आए तो इन चारों में से आप किसको कहेंगे कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ? चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन केट विंसलेट, ऑप्शन नंबर टू आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर थ्री महवेश हयात एंड ऑप्शन नंबर फोर निदा चौधरी। निदा चौधरी। अच्छा, हाय हाय क्या बात है, यानी तड़ा दिल करता थथा थथा जा टिकटॉक बना। बगैर सोचे समझे निदा चौधरी जी। अच्छा जी, बहुत से सियासतदानों से आप मिल चुके हैं, आपके ख्याल में आपको किसने इंस्पायर ज्यादा किया इन चारों में से? ठीक है, नंबर वन उस्मान बुज़दार, बिलावल भुट्टो, बिलावल साहब से मिले आप? हाँ जी। ओके, मियां नवाज शरीफ या फिर इमरान खान, बेस्ट आपको कौन से लगे? बिलावल भुट्टो। अच्छा जी, इनमें से कौन सी आपकी ड्रीम गर्ल थी या है या रही है या हो सकती है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रहा हूं और सारी की सारी टिकटॉक स्टार है। जन्नत मिर्जा, आतिका, डॉली या फिर साइलेंट गर्ल? कोई भी नहीं। क्यों जी? इनमें से तो कोई। अच्छा, जो है उसका नाम बताओ। नहीं, टिकटॉकर कोई भी नहीं। टिकटॉकर कोई नहीं है? कोई एक नहीं। मैंने वीडियो देखी थी, बड़ी आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे हरीम शाह के साथ। और आपने आपने एक हरकत भी की थी जो यहाँ मैं बता नहीं सकता। नहीं, एक्चुअली ना उसमें वो रिज़्म आपकी ख्वाहिश थी या उसकी ख्वाहिश? नहीं नहीं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। दोनों एक्चुअली नहीं नहीं, उसकी ख्वाहिश किसकी थी? उसकी। लेकिन उसमें नहीं नहीं, वो ख्वाहिश नहीं थी, वो एक रीजन थी। अच्छा, रीजन ये थी, यानी कि वो आप ना करते तो कोई बहुत बड़ी क्यामत आ जानी जी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्यामत आनी थी जो आप ना करते वो क्या थी? क्यामत नहीं थी, यानी वो एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम उसको काफी ज्यादा थ्रेट कॉल्स आ रही थी लोगों की तरफ से। उसने अच्छा, वो जो आपने किया थ्रेट कॉल जो है ना, फिर रुक गई? नहीं, बिल्कुल वो रुक गई। अच्छा, वो जिसके साथ आप वो करते हैं उसको थ्रेट आना बंद हो जाती है? नहीं, क्योंकि एक्चुअली उसे अगर आपको थ्रेट आ रही है यार ताड़ी मेहरबानी, मेरे अब्बू नू बहुत थ्रेड आंदी है। अच्छा काशिफ साहब, अब हम आपको कुछ फैसिलिटीज के नाम लेंगे, आपने उनके लिए कोई कमेंट करना है, कोई भी आपके जहन में आए। ठीक है, पहली पर्सनालिटी जुल्कर नैन, टिकटॉकर जो स्टार हैं जुल्कर नैन, आपके ख्याल में क्या है? शोखा। शोखा। ओए जुल्कर नैन, आप शोखे हैं, पूरा कहीदा होता है, आप बहुत शोखे हैं। हाँ। पापी दे सिरते। यानी कमल आफ्ताब का जो बंदा है वो शोखा है। एक वीडियो उनकी ऐसी गुजरी कि जिस तरह मुझे वो फील हुआ कि यार वो काफी ज्यादा शोखे और इनको इग्नोर कर दिया। कोई भी अगर बंदा स्टार बने इसको ये याद रखना चाहिए कि अगर वो स्टार है तो फैन की वजह से। क्या बात, बिल्कुल इसको बोलना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट फुल्लू। ओहो, की कह रहे हो भाई, कोई है फुल्लू? सॉरी सॉरी, मैं समझा कुछ सीधी गाल ही ना कट देना। यकीन करो ये नाम पढ़ने से पहले मैंने चार दफा जेहन में सोचा है मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा। जी, ये कोई टिकटॉकर है? हाँ, टिकटॉकर है बिल्कुल। ये अच्छा बंदा, सीधा बंदा, लेकिन अब उसमें ना तेजी आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आई थिंक ये आपके शायद दोस्त हैं, जिद्दी राणा। दोस्त, यारों का यार, वो भी मूवीज में काम करता है।
अच्छा मूवी में काम करते हैं? अभी इसकी रिसेंट एक मूवी है, अपनी फिल्म उन्होंने बनाई है। अच्छा हाँ, लाओ की करन दो, मेनू सारा पता, मैं उस फिल्म च भांडे धोण जांदा हुंदा सी। बादशाह तू? हां यार मैं तो बादशाह। चलें जी, अलिश्पा अंजुम। कमेंट ये है कि उसको थोड़ा सा ये वीडियोस बनाने चाहिए कि यार कि वो एक लड़की, लड़की भी की भी एक लिमिट्स होनी चाहिए, उस लिमिट से अबव नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में।